रामायण नहीं। आज हमारा टॉपिक किडनी है। किडनी जिसका कलर डार्क रेड होता है। ईच किडनी का वेट 150 ग्राम्स होता है। किडनी की काम जरा सर से सुने कि जिसम में ये कंट्रोल करता है एसिड बेस बैलेंस को, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को भी ये जिसम में मेंटेन रखता है। जिसम से ये टॉक्सिन और अदर वेस्ट को भी ये बाहर निकालता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी किडनी का बहुत अहम किरदार होता है। किडनी इसके अलावा एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोपोएटिन हार्मोन, रेनिन एंड वाइटामिन डी। एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी इज ए हार्मोन। किडनी का लेंथ तो सब बच्चों को पता होना चाहिए कि किडनी का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। किडनी की विड्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और किडनी की थिकनेस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। किडनी का शेप क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बीइंग यानी लोबिया की सीट की तरह किडनी का शेप होता है। लोकेशन, किडनी कहाँ पर आपकी बॉडी में लोकेटेड है। किडनी लोकेटेड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, यानी बैक साइड पर वर्टेब्रल कॉलम की दोनों तरफ किडनी, यानी वर्टेब्रल कॉलम की एक तरफ एक किडनी और दूसरी तरफ दूसरी किडनी होती है। किडनी की पोजीशन एसिमेट्रिकल होती है। अब बुक में लिखे एसिमेट्रिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों किडनी की पोजीशन सिमिलर नहीं है। राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लिवर्स के लोब आते हैं। किडनी की प्रोटेक्शन, तो किडनी के अपर हिस्से को किस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया है, तो 11th और 12th रिब ने किडनी की प्रोटेक्शन की है। इन रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ब्लड सप्लाई, तो हर एक हार्ट बीट के साथ किडनी 20% सिर्फ ब्लड रिसीव करती है, यानी एक मिनट में 1.2 लीटर ब्लड ही रिसीव करती है। स्ट्रक्चर को, तो किडनी का सबसे आउटरमोस्ट लेयर ये रेड से जो बनाए रीनल फेशिया कहलाता है। इसके बाद फैट का एक लेयर होता है जिसको हम रीनल फैट कहते हैं, जो कि किडनी की प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। थर्ड जो लेयर है इनर मोस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। अब किडनी के हमारे पास इंटरनली 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है और पेल्विस होता है। तो आउटरमोस्ट पार्ट ये, दिस पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज कॉर्टेक्स और रीनल कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाद इनर लेयर, दिस इनर लेयर ऑफ द किडनी इज नोन एज मेडुला और रीनल मेडुला। अब मेडुला में हमारे पास पायरामिड पाए जाते हैं। मेडुला में हमारे पास तकरीबन 15 से लेकर 20 तक पायरामिड्स पाए जाते हैं। अब इस पायरामिड का एक एंड, इधर मैंने पायरामिड को जूम किया, एक एंड ब्रॉड होता है और दूसरा एंड हमारे पास नैरो होता है। जो ब्रॉड एंड होता है पायरामिड का, ये टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स होता है, और जो नैरो एंड होता है ये टुवर्ड द पेल्विस ऑफ द किडनी होता है। नैरो एंड ऑफ द पायरामिड इज नोन एज रीनल पैपिला। अब इधर हमारे पास ये हर एक पायरामिड ड्रेन करता है स्मॉल डक्ट में, अगर आप नजर आ रही हैं, दिस पायरामिड ड्रेन इनटू स्मॉल डक्ट एंड दिस डक्ट्स आर नोन एज माइनर कैलिक्स। ये देखिए, ये माइनर कैलिक्स कहलाते हैं। नेफ्रॉन जब यूरिन बना लेता है तो वो इस पायरामिड से कहाँ पर आते हैं, माइनर कैलिक्स में आते हैं। इंडक्स दिस डक्ट नोन एज माइनर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स फिर कंबाइन होकर बड़ा सा डक बनाता है, और इन डक्स को हम क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स। एक मेजर कैलिक्स हो गया, दूसरा मेजर कैलिक्स हो गया, फिर मेजर कैलिक्स के बाद ये रीजन है, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्वस। तो नेफ्रॉन ने यूरिन बना लिया, यूरिन जो है ये हर एक पायरामिड से फिर कहाँ पर आ गया, माइनर कैलिक्स में, स्मॉल ट्यूब में। और माइनर कैलिक्स से फिर यूरिन कहाँ पर ड्रेन होगी, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से फिर यूरिन कहाँ पर आएगी, रीनल पेल्वस में, और ये रीनल पेल्वस से यूरिन फिर जाएगी यूरेटर से, और यूरेटर से फिर यूरिन ब्लैडर में जाएगी, यहाँ पर ये स्टोर होगी और फिर यूरेथ्रा के जरिए जिसम से बाहर जाएगी।